गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। सब कोई सुने, पार्वती ने मुझे शिव कृपा और शिव वरदान से वंचित किया है। मैं पार्वती की इस भूल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं इसी समय कैलाश लोक जाकर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। मैं क्रोधासुर हूँ, क्रोधासुर। मेरे प्रचंड क्रोध की ज्वाला से कोई नहीं बच पाएगा। नारायण 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 नारायण। क्रोधासुर, तुम शिवकोप से जन्मी भस्म से प्रकट हुए हो, फिर भी तुम्हारे भीतर बुद्धि और विवेक क्लेश मात्र नहीं है। नारायण नारायण, तुम मूर्ख थे, तुम मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे। मुझे कोसने और मूर्ख कहने का दुस्साहस करने वाले कौन है तू? मैं इसी समय तुझे अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगा। शशि प्रभा की रक्षा के लिए कीर्ति की प्रार्थना सुनकर गौरी पुत्र प्रसन्न होते हैं। महोदर और गौरी पुत्र की कंदुक क्रीड़ा के बीच क्रोधासुर का जन्म होता है। दंडित होकर भी क्रोधासुर देवी पार्वती को उत्तेजित करने में सफल होता है। हठी क्रोधासुर को शिवशंकर शुक्राचार्य आश्रम की ओर फेंक देते हैं। नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण। आकाश पुत्र है या अंतरिक्ष, ये कहां और कैसे अचानक प्रकट हो गया? कौन है ये? प्रणाम देव ऋषि। देव ऋषि, कौन है ये असुर? कहां से आया है और कहां जा रहा है? नारायण नारायण, देवराज इंद्र, मेरे साथ साथ आप भी तो देख रहे हैं कि आकाश से आया ये असुर शुक्राचार्य के आश्रम तक पहुंच चुका है। आकाश से? आकाश से कैसे कोई आ सकता है? नारायण नारायण, पवन देव, आप तो समस्त संसार में विचरण करते रहते हैं, भला आपकी बुद्धि पर विराम कैसे लग गया? आप इतना भी नहीं देख पाए कि आकाश की ये दिशा कैलाश की ओर जाती है। अर्थात? अर्थात अर्थात ये पवन देव, कि इस असुर को कैलाश की ओर से ही आकाश में धकेला गया था। परंतु कैलाश से धकेलने का कोई ना कोई कारण तो होगा देवर्षि। क्या इसने कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया था देवर्षि? यदि ऐसा है देवर्षि, तो इस भूल के लिए इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कैलाश पे तो भोलेनाथ माता पार्वती और श्री गणेश है, उन्होंने इसे जीवन दान कैसे दे दिया? देवराज जी, ये सारे प्रश्न आप स्वयं कैलाश जाकर उन सभी से क्यों नहीं पूछ लेते? नारायण नारायण, मैं तो शिव की ये लीला देखकर स्वयं चकित हूँ। चकित होने में समय व्यर्थ न करके आप शीघ्र कैलाश जाकर ये पता लगाएं, कहीं ये दुष्ट स्वर्ग के लिए कोई संकट का कारण तो नहीं बनेगा। नारायण नारायण। वरुण देव, तनिक आप स्पष्ट करें कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं? देवर्षि, मैं तो केवल बात कर रहा हूँ। वरुण देव, इस समय मैं आपकी किसी भी बात का उत्तर देना नहीं चाहता,
जय सांब सदाशिव, नारायण नारायण। आपने मेरी प्रार्थना को ठुकराकर उचित नहीं किया स्वामी। जिस प्रकार आपने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया था, उसी प्रकार क्रोधासुर को भी भस्म कर देना चाहिए था। भस्म से जन्मा हुआ क्रोधासुर भस्म में ही लीन हो जाता, इसे संसार का संकट तो टल जाता। महादेव, आपकी आज्ञा के बिना हमने क्रोधासुर के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया, अन्यथा मैं मोहासुर के समान ही उसे निगल कर अपनी भूख शांत कर लेता। माता की इच्छा का सम्मान न करके आपने उचित नहीं किया महादेव। हम परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आपकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना चाहते। कृपा करके माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए उस दुष्ट क्रोधासुर को भस्म करें। उस अभागे क्रोधासुर पर तुम सबका रोष व्यर्थ। मेरी आज्ञा ठुकराने वाले पर रोष व्यर्थ कैसे हो सकता है स्वामी? उसके प्रति आपके स्नेह का कारण क्या है? वो भी एक जीव है, उसे भी जीवन का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे दुष्टों को अवसर देना उचित नहीं है स्वामी। दुष्टता पर प्रायश्चित करने के लिए उसे शुक्राचार्य आश्रम भेजा जा चुका है। दैत्य गुरु का साथ और संपर्क उसके भीतर भक्ति का संचार करेगा। जिसने मेरी आज्ञा को ठुकराया हो, संसार के प्रथम पूज्य गणेश को गजमुख कहकर अपमानित करने का प्रयास किया हो, ऐसे को भक्ति और तपस्या का क्या अधिकार? आपको उसे दंडित करना होगा स्वामी। क्रोध का त्याग करो देवी, क्रोधासुर अब कैलाश पर नहीं है। नहीं है तो आ जाएगा, ये तो आपने ही कहा है पिताश्री कि भूल और पाप का दंड न मिलने पर वह ज्वालामुखी के समान विध्वंसक हो जाता है। तुम सब ने कैलाश में रहकर हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का निर्णय ले लिया है? कदापि नहीं पिताश्री, हम तो केवल माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करना चाहते हैं। कृपा करके माता की इच्छा को स्वीकार करते हुए इस दुष्ट को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म करें। यदि ये जीवित रहा तो संसार और संसार वासियों के लिए बहुत संकट का कारण बन जाएगा, इसे भस्म करें पिताश्री। स्वामी, मेरे पुत्र ने मेरा सम्मान करते हुए क्रोधासुर को पुनः यहाँ उपस्थित कर दिया है। अब विलंब न करें स्वामी, इस दुष्ट को भस्म कर दें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें स्वामी। हमारी इच्छा का घोर अपमान करवा के तुम अपनी इच्छा का सम्मान करवाने के लिए हमें विवश कर देना चाहती हो? ये कदापि नहीं होगा देवी पार्वती। क्रोधासुर जीवित रहेगा और मनवांछित वरदान भी प्राप्त करेगा। जाओ क्रोधासुर, जाओ शुक्राचार्य आश्रम जाओ, वहीं पर तुम्हें हमारे आराधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपके द्वारा मेरी इच्छा का घोर अपमान हुआ है स्वामी। आपने मेरे और मेरे पुत्रों के अनुरोध को कठोरता से ठुकरा दिया। अब आप ही बताएं, इस निराधर और अपमान के वातावरण में हमारे रहने का क्या उद्देश्य? जब आपने हमारी इच्छा को ठुकरा दिया तो हमें भी ठुकरा दीजिए। अब इस कैलाश और आपको हमारी कोई आवश्यकता नहीं स्वामी। आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, अब हम एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहते।
जो व्यक्ति यहाँ रहना नहीं चाहता उसे हम बलपूर्वक रोकना भी नहीं चाहेंगे। देवी पार्वती, हमने तुम्हारी अनुचित इच्छा का सम्मान नहीं किया, परंतु तुम्हारी उचित इच्छा का सम्मान हम अवश्य करेंगे। यदि तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अपनी इच्छा का पालन करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। आप इतने निर्मम, निर्दयी और कठोर हो जाएंगे, इसकी कल्पना तो मैंने सपने में भी नहीं की थी। मैंने आपको अपनी तपस्या से प्रसन्न करके प्राप्त किया था। आपने मुझे विधि पूर्वक समस्त देवताओं और शुभ शक्तियों के सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया था। अब इस प्रकार अपमानित करके कैलाश से जाने के लिए कहना क्या न्याय संगत है स्वामी? न्याय की दुहाई न दो देवी पार्वती। हमने तुम्हें कैलाश से जाने की आज्ञा नहीं दी है। यदि तुम स्वयं जाना चाहती हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम पहले भी कह चुके हैं और फिर कहते हैं, तुम अपनी इच्छा का पालन करने के लिए स्वतंत्र हो। इस विषय में हम एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते। गौरीपुत्र महोदर, इस घोर अपमान के पश्चात हमारा यहाँ रुकना लज्जाजनक है। चलो, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। नहीं माता, नहीं। आप क्रोध को त्याग दें और हमें छोड़कर ना जाएं माता। माता, यदि आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा माता? नहीं माता, हमें छोड़कर ना जाएं। हमें छोड़कर ना जाएं माता, ना जाएं माता, ना जाएं माता। क्रोध का त्याग करें माता, ना जाएं माता, ना जाएं। क्षमा करो माता, पिताश्री की आज्ञा प्राप्त किए बिना हमारा यहाँ से जाना उचित नहीं होगा। यदि हम भी आपके साथ चले गए तो पिताश्री को बहुत दुख होगा। हम आपसे भी यही अनुरोध करते हैं माता कि क्रोध का त्याग करके कैलाश से जाने का विचार असंभव। मैं कैलाश को त्यागने का विचार कदापि नहीं त्याग सकती। माता, पिताश्री शिव शंकर महादेव हैं, उनकी बात का बुरा न मानो। हाँ माता, जो हुआ उसे भूल जाओ। अर्थात? अर्थात तुम दोनों अपनी माता का त्याग कर देना चाहते हो? ठीक है, जब पति की नहीं सुनी तो पुत्रों की क्यों सुनूं? मैं अब तुम दोनों से कुछ नहीं कहूंगी, अकेली ही चली जाऊंगी। ना जाओ माता, ना जाओ, अपने क्रोध का त्याग करो। ना जाए माता, ना जाए माता, अपने क्रोध का त्याग करे माता। ना जाए माता, ना जाए माता, क्रोध का त्याग करे माता। ना जाए माता, ना जाए माता, क्रोध का त्याग करे माता। ये उचित नहीं हुआ गौरी पुत्र, हमें भी माता पार्वती के साथ जाना चाहिए था। यहाँ कैलाश में अपमानित होकर रहने का क्या उद्देश्य? मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ महोदर, परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा और पिताश्री महादेव की आज्ञा का पालन करने के साथ हमें पिता और पुत्र की मर्यादा रखनी ही होगी। क्रोधासुर, भगवान शिव ने अपनी इच्छा से तुम्हें हमारे पास भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन दान और अभय देकर वरदान देने का संकेत भी दिया है। इसीलिए मेरे साथ बैठकर आस्था पूर्वक शिव आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। दैत्य गुरु, कृपा करके बताएं, क्या शिव आराधना से मुझे त्रिलोक विजय और सर्वशक्तिशाली होने का वरदान मिलेगा? अवश्य, अवश्य मिलेगा। हमारे वचनों पर संदेह ना करो वत्स। एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना अपना जीवन शिव चरणों में समर्पित कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी आशंका सत्य होकर रहेगी, वरदान पाकर ये क्रोधासुर अपनी क्रोधाग्नि से संसार को भस्म कर डालेगा, परंतु मैं ये अनुचित कार्य नहीं होने दूंगी। इस अनाचार को रोकने के लिए मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगी। नारायण नारायण, जय माता की। प्रणाम माता पार्वती।
माता, क्या आप अपने पुत्र समान भक्त नारद से अप्रसन्न हैं? माता, मैं आपको रुष्ट नहीं करना चाहता। आप कृपा करके केवल मुझे इतना बता दें कि आप कैलाश से निकलकर किस ओर जा रही हैं। मैं समझ गया माता, आप मुझसे इसीलिए रुष्ट है ना कि मैंने लंबे समय से कैलाश आकर आपसे आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया। माता, मैं विवश था, मैं परमपिता ब्रह्मा जी के चरणों में तपस्यालीन था। त्रिदेव की भी यही इच्छा थी माता कि मैं इधर उधर भटकना छोड़कर ब्रह्मलोक में तपस्या करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त करूं। तपस्या करके भी तुम्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ नारद? यदि हुआ होता तो तुम्हारे प्रश्न और जिज्ञासा के स्वभाव पर विराम लग जाता। नारायण नारायण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम् कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायण 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 नारायण। ओम गणेशाय नमः। हमारे और इस आश्रम के धन्यवाद देवर्षि, जो युगों पश्चात आपके दर्शन हुए। नारायण नारायण। महर्षि, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो श्री गणेश वंदना के शुभ अवसर पर उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आप गणेश पुराण के लेखन में व्यस्त हैं, ये बात मुझे परमपिता ब्रह्मा जी से ज्ञात हो चुकी है। महर्षि, परंतु मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा तो आपका स्वभाव है देवर्षि, कहें क्या जिज्ञासा है? मैं केवल ये जानना चाहता हूँ महर्षि कि आप श्री महागणेश के किन किन अवतारों की पावन कथाओं का लेखन श्री गणेश पुराण में कर चुके हैं। मैं उन कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र हूँ। आप तो जानते हैं देवर्षि, त्रिदेवों की कृपा और आशीर्वाद से मैं भूत वर्तमान और भविष्य अपनी दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, और जो मैं देखता हूँ उसी अनुसार मेरी लेखनी लिखती है। इस समय में मंगल मूर्ति श्री गणेश के परम पावन अष्ट विनायकों के तीर्थों की कथा का लेखन कर रहा हूं। अष्ट विनायक, जय जय श्री गणेश। अष्ट विनायक की तीर्थ कथाएं तो अवतारों से भी अधिक चमत्कारी और रोचक होंगी ना महर्षि? आपका अनुमान सत्य है देवर्षि, इस कथा में भक्ति आस्था और चमत्कार का सुंदर समन्वय है, और श्री गणेश की कृपा से इस कथा का लेखन कार्य शीघ्र ही पूर्ण होगा। तब आप अवश्य ही इस दिव्य पुण्य प्रदान करने वाली पावन कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य करें। आप किस सोच में पड़ गए देवर्षि? महर्षि, यहां आने से पहले आकाश में मेरी भेंट जगदम्बा माता पार्वती से हुई। मैं उनके व्यवहार से चकित हूं। मेरे अनेक प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अपने मौन से दिया। ऐसा लगता है किसी बात को लेकर उन्होंने कैलाश का त्याग कर दिया है। देवर्षि, माता पार्वती का कैलाश त्याग श्री महागणेश की इच्छा से ही हुआ है। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? ये भविष्य का संकेत है देवर्षि। माता पार्वती के कैलाश त्याग का संबंध अष्ट विनायक के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल से है। नारायण नारायण। कब तक मैं इस प्रकार भटकती रहूंगी? Thank you.
पति और पुत्र से कब तक दूर रह पाओगी पार्वती? तुम्हें हार कर कैलाश लौटना ही होगा, और जब लौटना ही है तो कैलाश का त्याग क्यों? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाओ कैलाश लौट जाओ। लौट जाने के लिए मैंने कैलाश का त्याग नहीं किया था, फिर किस लिए किया था? तुम बिना उद्देश्य भटक रही हो पार्वती, इस भटकाव का कोई अंत नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। तुम्हारा काम धर्म विरुद्ध है, जाओ कैलाश लौट जाओ। मैं कैलाश त्याग को धर्म के उद्देश्य से जोड़कर लोकहित और जन कल्याण का उदाहरण बना दूंगी, परंतु अपने स्वाभिमान को आहत करके कैलाश नहीं लौटूंगी। कब तक? कब तक? जब तक स्वामी स्वयं सम्मान के साथ मुझे लेने नहीं आएंगे। वे नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। संसार को दिखा दूंगी कि दृढ़ता से जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना किया जा सकता है। संकल्प से आकाश का सीना चीरा जा सकता है, निष्ठा से तूफान को रोका जा सकता है। जब तक स्वामी स्वयं मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं कैलाश लौट कर नहीं जाऊंगी। ये मेरा संकल्प है। मैं सह्याद्री की इस लेखन पर्वत माला पर घोर तपस्या करके अपने संकल्प को पूरा करूंगी। ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः। तुम्हें अपने माता पार्वती के साथ चले जाना चाहिए था महोदर। कैलाश की आनंदित भूमि को अश्रुपूर्ण बनाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं महादेव। वैसे भी मेरे इस अवतार का कार्य पूर्ण हुआ। अब कैलाश तो क्या, किसी को भी मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करें और आज्ञा दें। गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे भक्त हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम आपकी हर इच्छा को पूरा करते रहे। क्रोधासुर को हमने अपनी इच्छा से प्राण दान दिया, मार्गदर्शन पाने के लिए आपके पास भेजा, परंतु हम उसे वरदान कदापि नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। ऐसा क्यों भोलेनाथ? आप तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं, फिर इस बेचारे अभागे क्रोधासुर ने ऐसा कौन सा अपराध किया है
जो आप उसे अपने वरदान और कृपा से अलग करना चाहते हैं? ना तो हम उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, न ही कारण बताने के लिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी भक्ति के कारण हम इस समय केवल इतना संकेत दे सकते हैं कि शिव पार्वती और शिव शक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। वे सामाजिक दृष्टि में भिन्न भिन्न होते हुए भी एक रूप है। शिव शक्ति और शिव पार्वती की एक रूपता तो जगत विख्यात है भोलेनाथ, परंतु उनका इस अभागे क्रोधासुर के वरदान के साथ क्या संबंध है? संबंध है दैत्य गुरु। देवी पार्वती की इच्छा के विपरीत क्रोधासुर को वरदान देना उनके प्रति अन्याय होगा, और हम ये अन्याय कदापि नहीं करेंगे। उचित यही होगा कि आप क्रोधासुर को शिवाराधना और तपस्या से विमुख करें, आपका कल्याण। समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने भीतर के द्वंद्व का अंत करने और अपना संकल्प पूरा करने के लिए इस समय किसकी आराधना करूं। आप मुझे परामर्श दे सकते हैं, किंतु इस समय आप मुझसे रुष्ट हैं। सुनकर भी मेरी बात अनसुनी कर देना स्वाभाविक है। मैं भी अपने संकल्प से समझौता नहीं कर सकती। मैं अपना संकल्प कैसे पूरा करूँ यह निश्चय नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मन भ्रमित है स्वामी, क्या करूं? मैं क्या करूं स्वामी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं स्वामी? तुम्हारे साथ न आने के लिए मैं विवश था माता, परंतु मेरी आत्मा परम देव श्री महागणेश से प्राप्त मेरी प्राण ज्योति सदा सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। इधर उधर क्या देख रही हो माता? जिस प्रकार शिव और शक्ति अभिन्न है, उसी प्रकार शक्ति और गणेश मैं तुम में ही हूँ माता। पुत्र का अस्तित्व माता से भिन्न नहीं हो सकता। तो माता की वेदना के स्वर पुत्र तक पहुँच ही गए? हाँ माता, उस स्वर को सुनकर मैं विचलित हो गया हूँ। तुम्हें वेदना का त्याग करना ही होगा। जब तक मेरा संकल्प अधूरा है तब तक तुम्हारा संकल्प पूरा होगा माता। अपने मन के द्वंद को उन परम देव श्री महागणेश के चरणों में समर्पित कर दो, जिनके कृपा से सारे संसार के संकट और द्वंद दूर हो जाते हैं। मेरे साथ बोले माता, ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं शुक्राचार्य, तपस्या लीन व्यक्ति की तपस्या में बाधा पहुंचाना घोर पाप है, परंतु अपने आराध्य की आज्ञा न मानना भी तो पाप है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरी गति तो उस नाग जैसी हो गई है जो आखेट के लिए छछिंदर को पकड़कर निगले तो मर जाए,
और छोड़ दे तो अंधा हो जाए। क्या करूं भोलेनाथ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरी सहायता करें। भृगुपुत्र शुक्राचार्य, भृगुपुत्र शुक्राचार्य, आप क्रोधासुर को शिव आराधना और तपस्या से विमुख करें, विमुख करें। रोक दो ये शिव आराधना क्रोधासुर, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम भगवान शिव की कृपा और वरदान के पात्र नहीं हो। त्याग दो ये शिव आराधना, त्याग दो। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु, आपकी मति तो नहीं मारी गई? सारे संसार को शिव आराधना का परामर्श देने वाले आप मुझे शिव आराधना रोकने का आदेश दे रहे हैं, क्यों? ये आदेश मैंने नहीं, मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर ने दिया है। क्रोधासुर, तुम्हें शिव आराधना त्यागनी ही होगी। यदि मुझे शिव आराधना त्यागनी ही थी तो आपने मुझे उसके लिए प्रेरित ही क्यों किया? क्या आप दैत्य जाति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? क्या शिव आराधना में उलझाकर मेरा समय नष्ट करना ही आपका उद्देश्य था? तुम कुछ भी कह लो वत्स, मैं तो केवल शिव आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ ये नहीं चाहते कि तुम उनकी आराधना और तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त करो। शुक्राचार्य, दैत्यों के आराध्य देव बनने का ढोंग रचने वाले शिव को मुझे वरदान नहीं देना था, तो पार्वती के कहने पर उन्होंने मुझे भस्म क्यों नहीं कर डाला? वत्स, इस शिव इच्छा का रहस्य हम नहीं जानते। गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हैं किंतु मुझे बताना नहीं चाहते। नहीं वत्स, ये बात नहीं है। यही बात है गुरुदेव, यही बात है। मैं आपकी बात कदापि नहीं मानूंगा। मुझे शिव कृपा और वरदान देने के लिए ही शिव ने मुझे जीवन दान दिया था। मैं शिव आराधना करके उनका वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं अपने जीते जी शिव आज्ञा की उपेक्षा नहीं होने दूंगा क्रोधासुर। यदि तुमने शिव शंकर के आदेश को ठुकराने का प्रयास किया तो इस बार शिव कोप तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, भस्म कर देगा। दैत्य गुरु, भगवान शिव तो भोलेनाथ है, आशुतोष है, प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि तुमने माता पार्वती को रुष्ट किया है। भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते कि वे माता पार्वती के विरुद्ध तुम्हें वरदान दें। तो ये उस पार्वती की गढ़ी हुई कहानी है। आवेश में अपने संयम का त्याग ना करो क्रोधासुर। शिव पार्वती तो अभिन्न है। जगदम्बा माता पार्वती की निंदा करके तुम एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे। तो आप ही बताइए दैत्य गुरु, मैं क्या करूं? वत्स, इस समय तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दैत्य गुरु? आप तो दैत्यों के एकमात्र गुरु हैं। यदि आप हमारी सहायता और मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो दैत्य जाति का भविष्य सदैव के लिए पाताल के अंधकार में खो जाएगा। क्रोधासुर, मैं विवश हूं। कृपा करके मेरी विवशता को समझो। मैं भगवान भोलेनाथ का आदेश नहीं ठुकरा सकता। बस अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम कर सकते हो। हाँ दैत्य गुरु, अब मेरी जो इच्छा होगी वही मैं करूंगा। मैं क्या करने जा रहा हूं सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने जीवन में बाधा डालने वाली उस पार्वती को देखूंगा। उसने मेरे वरदान और त्रिलोक विजय के मार्ग में कांटे बिछाए हैं। मैं उसके जीवन में कांटे बिखेर दूंगा। ओ
नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। सब कोई सुने, पार्वती ने मुझे शिव कृपा और शिव वरदान से वंचित किया है। मैं पार्वती की इस भूल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं इसी समय कैलाश लोक जाकर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। मैं क्रोधासुर हूँ, क्रोधासुर। मेरे प्रचंड क्रोध की ज्वाला से कोई नहीं बच पाएगा। नारायण 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 नारायण। क्रोधासुर, तुम शिवकोप से जन्मी भस्म से प्रकट हुए हो, फिर भी तुम्हारे भीतर बुद्धि और विवेक क्लेश मात्र नहीं है। नारायण नारायण, तुम मूर्ख थे, तुम मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे। मुझे कोसने और मूर्ख कहने का दुस्साहस करने वाले कौन है तू? मैं इसी समय तुझे अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगा। ये भी तुम्हारा दुर्भाग्य है क्रोधासुर कि तुम क्रोध तो कर सकते हो परंतु क्रोध की ज्वाला को प्रकट नहीं कर सकते। हाँ, ईर्ष्या और द्वेष में जलकर स्वयं को भस्म अवश्य कर सकते हो। नारायण 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 नारायण। मूढ़ बुद्धि क्रोधासुर, क्या तुम नहीं जानते कि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है? परंतु तुम तो अभागे हो, जन्म से ही तुम्हारे भीतर विवेक है ही नहीं। नारायण नारायण। और जिस माता पार्वती के प्रतिशोध के लिए तुम कैलाश जाना चाहते हो, वे तो वहाँ है ही नहीं। तो क्या मेरे प्रचंड क्रोध के भय से पार्वती कैलाश पर्वत छोड़कर भाग गई? फिर मूर्खता वाली बात की तुमने क्रोधासुर। नारायण नारायण। माता पार्वती लोक कल्याण के महायज्ञ का संकल्प करके इस समय सह्याद्री पर्वतमाला के लेखनगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है। मूर्ख, तो कैलाश नहीं, मेरा अभियान सह्याद्री पर्वत की ओर होगा। सह्याद्री पर्वत की ओर। क्रोधासुर, तुम अभागे हो। माता पार्वती शक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति स्वरूपा। उनसे प्रतिशोध लेने का विचार करने वाला प्रतिशोध लेने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। यदि अपना भला चाहते हो तो मेरी बात मानो। माता पार्वती की निंदा से जो तुमने पाप एकत्रित किया है उसका प्रायश्चित करो, प्रायश्चित। ओम श्री गणेशाय नमः। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पार्वती को कदापि नहीं छोड़ूंगा।